ओके, मैं एक ट्रिक समझा रहा हूं आपको नोबेल पुरस्कार नोबेल प्राइज 2019 के बारे में। देखिए 2020 तक तो यही आने वाला है, जब तक दिसंबर में नया चेंज नहीं हो जाता। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, कोई भी ऐसे क्वेश्चंस जहां टिपिकल नाम हो, बहुत बड़े बड़े नाम हो, उन्हें आप कैसे याद करें। ये ट्रिक हमने खुद ने इजाद की है, हम किसी की कॉपी नहीं कर रहे हैं यहां पर। हमने जैसा खुद ने मेहनत की है वही अब आपको ट्रिक बता रहे। बहुत इजी ट्रिक में आपको ये पूरा नोबेल प्राइज समझ में आएगा बहुत आसानी के साथ। ठीक है, मैं कुछ इसमें से बता रहा हूं आपको अब कैसे याद करना नोबेल प्राइज को। तो नोबेल प्राइज 2019 का सबसे पहला पार्ट ले रहे हैं फिजिक्स। आपको पता है कि नोबेल प्राइज अलग अलग फील्डों में दिया जाता है, लगभग 6 फील्डों में ये नोबेल प्राइज दिया जाता है। तो मैं नंबर 1 फील्ड बता रहे हैं आपको फिजिक्स। तो फिजिक्स मतलब भौतिक, भौतिक शास्त्र में किसे दिया गया, 3 लोगों के नाम बता रहा हूं, जैसे जेम्स पीबल्स है, मिशेल मेयर है और डियर क्यूलोज है। अब ये नाम बहुत टफ है, क्योंकि ये नाम तब टफ होंगे आपके सामने जब सारे नोबेल प्राइज आ जाएंगे। अगर सारे नोबेल प्राइज एक साथ आपको याद करने के लिए बोला जाए तो बहुत टिपिकल हो जाएगा फिर आपके लिए। तब आपको कुछ अच्छी सी ट्रिक इजाद करनी होगी, आपको लगेगी यार ये ट्रिक बहुत अच्छी है तो हम इसको याद कर सकते हैं इजीली। तो मैं वही आपके सामने बता रहा हूं, अच्छे सुनना, आपको बहुत जल्दी हो जाएगा 1 सेकंड के अंदर। ठीक है, क्योंकि तो पेपर ऑब्जेक्टिव होने वाला है, आपको ऑब्जेक्टिव से पहचानना है। एक देखिए इसकी ट्रिक बना रहा हूं मैं, फिजिक्स ट्रिक देखिए भाई। फिजिक्स डिपार्टमेंट में इलेक्शन हुआ, किसका इलेक्शन हुआ, मेयर का। देखो ये वर्ड आ रहा है मेयर, आप ध्यान से सुनना जो जो बता रहा हूं मैं आपको, किसका इलेक्शन हुआ, मेयर का। फिजिक्स डिपार्टमेंट में इलेक्शन हुआ मेयर का, जिसमें जिसमें एक वर्ड देखो पीबल्स, पीबल्स को मैं यहां याद करने के लिए एक बहुत आसान वर्ड यूज कर रहा हूं आपके सामने, पब्लिक। जहां पब्लिक, पब्लिक के ब्रैकेट में मैं आपको जो आपके ऑप्शंस में जो आपका जिस व्यक्ति को मिला उसका नाम मैं यहां पर सेट कर रहा हूं, पीबल्स मिलता जुलता नाम है, ध्यान रखना। जहां पब्लिक मतलब पीबल्स ने किसको जिताया, लोस, क्यूलोस, वर्ड देना। जहां पीबल्स ने कि पब्लिक ने लोस को जिताया, लोस को जिताया। अब एक चीज सुनिए ध्यान से, एक ट्रिक बन गई हमारे सामने इनको याद करने की। तीनों नाम हम स्टिक में ला चुके हैं, बहुत आसान वर्ड है। देखो फिजिक्स डिपार्टमेंट मतलब भौतिक विभाग में एक चुनाव हुआ, इलेक्शन हुआ मेयर का, ये याद करने की चीज है। ऐसा नहीं कि वहां एक मेयर का अलग से कोई पोस्ट है, ऐसा कुछ नहीं, हमने सिर्फ उसे याद करने के संबंध में एक ट्रिक बनाई है आपके लिए। ठीक है, किसका चुनाव हुआ, मेयर का, जिसमें पब्लिक मतलब पीबल्स ने लोज को जिताया। जो पब्लिक है उसने किसको जिताया, लोज को। देखो एक वर्ड आ गया मेयर, एक हो गया पीबल्स और एक हो गया आपके सामने लोज। अब देखो आपके नाम में पहला है जेम पीबल्स, मिल गया पीबल्स ट्रिक के अंदर। सेकंड देखिए मिशेल मेयर, मिल गया मेयर आपको, मिसेल मेयर। ठीक है, थर्ड देखिए डियर क्यूलोस, लोस, क्यूलोस मिल गया आपको। क्या आप इन तीनों वर्ड्स को देख के ऑप्शन में नहीं पहचान पाएंगे, आसान से पहचान पाएंगे, बहुत आसान सी ट्रिक आप देख पाएंगे कि बिल्कुल इजीली समझ में आ गया। अब आप कभी नहीं बोलेंगे फिजिक्स डिपार्टमेंट में किसको नोबेल प्राइज 2019 दिया गया। क्लियर? ओके, एक नोबेल प्राइज देखिए आप, केमिस्ट्री में किसे दिया गया, रसायन शास्त्र में किसे मिला है इस बार का नोबेल प्राइज 2019। तो 3 लोग हैं आप देखेंगे, जॉन बी गुडनफ, एम स्टिनली विटगम और एक है अकीरा योशिनो। अगर आप ऐसे ही याद करने लगे ना तो ये याद होंगे ही नहीं, बहुत टफ। सारे जब एक साथ मिल जाते हैं तो फिर ऑब्जेक्टिव्स में आपको ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम है। तो रट लो, रटना क्या सही ऑप्शन है, कहां तो रटोगे, जीएस को रटने की चीज तो है नहीं, समझना पड़ेगा आपको। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर एनडीए सीडीएस बहुत लेंदी सिलेबस है, तो भाई लेंदी है तो लेंदी है, आपको लेंदी ही पढ़ना होगा, डीप पढ़ना होगा। यूपीएससी का एग्जाम आप क्रैक करना चाहते हैं, सर्विस भी तो बढ़िया है, लेफ्टिनेंट बनना है आपको, तो
तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। कुछ सिलेबस ऐसा होता है जो शॉर्ट होता है, आज WSR का बच्चा, XY का बच्चा थोड़ा भी याद करके, शॉर्टकट याद करके भी अपना एग्जाम क्रैक कर सकता है, लेकिन NDA और CDS का बच्चा वो थोड़ा बहुत याद करके क्रैक नहीं कर सकता। अगर आपको अच्छे से एग्जाम क्रैक करना है, बहुत कुछ पढ़ना होगा, अच्छे से तैयारी करनी होगी। सेकंड देखिए केमिस्ट्री का है, तीन ऑप्शन आगे मैं ट्रिक बना रहा हूं, बहुत आसान ट्रिक है, आप बिल्कुल इजीली से याद कर पाएंगे। ठीक है, देखिए रसायन विभाग की बात करें तो यहां मैं वर्ड उठा रहा हूं अकीरा। तो अकीरा ने क्या किया, ट्रिक देखिए, अकीरा ने क्या किया है, स्टेनली, मैं वर्ड ले रहा हूं यहां पे नली, अकीरा ने नली में, यहां पे एक वर्ड है गुड़, गुड़ जानते हो, गुड़ खाने का पता होगा आपको, अकीरा ने नली में गुड़ डालकर परीक्षण किया, एक्सपेरिमेंट किया, क्या किया उसने, एक एक्सपेरिमेंट किया, किसमें एक्सपेरिमेंट किया, नली में। अब चूंकि मैंने क्या किया है, हर ट्रिक को उसी डिपार्टमेंट के साथ लिंक करने की कोशिश की है। देखो केमिस्ट्री में क्या होता है, एक्सपेरिमेंट होते हैं, रिसर्च होती है, अलग अलग प्रयोग होते हैं, तो यहां प्रयोग किया अकीरा ने नली में, अकीरा ने नली में गुड़ डालकर क्या किया, परीक्षण किया। तो मेरे बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, ये तीनों पॉइंट मैंने हाईलाइट कर दिए, इसका मतलब ये कहीं कहीं ये ट्रिक के तीन पॉइंट आपको ऑप्शन मिलने वाले। अब देखिए अकीरा कहां मिला आपको, ये रहा अकीरा युशिनो, मिल गया, पहचान लोगे आराम से, नली, एम स्टेनली वीट गम, तो नली वर्ड पहचान सकते हैं आप आराम से। और तीसरा है गुड, जॉन बी गुड एनफ, तो डालकर प्रश्न किया। इन तीनों नामों से आपने तीनों वर्ड पहचान लिए, भूल सकते हो आप कभी, अब आराम से इन ट्रिक के माध्यम से नोबेल प्राइज याद कर पाएंगे। इससे संबंधित मैंने पूरा वीडियो बनाया नोबेल प्राइज के बारे में, आप देख सकते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे वीडियो जहां मैंने ट्रिकों का इस्तेमाल किया है आपको याद कराने के लिए, चाहे वो करेंसी हो, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे वो फुल फॉर्म्स हो, या कुछ ऐसी जैसे शेड्यूल्स हो, तो उनको याद कराने के लिए मैंने ट्रिकों का इस्तेमाल किया है। मैंने हर वीडियो में कुछ ना कुछ नई चीज आपके लिए डाली है, जिसे आप देख के बहुत आराम से पहचान पाएंगे, आराम समझ पाएंगे अपने एग्जाम के लिए। ठीक है, गुड लक।